हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। पिछले दिनों खबर आई थी कि संजय लीला भंसाली ने अपनी अगली फिल्म इंशाल्लाह में सलमान खान के अपोजिट आलिया भट्ट को सिलेक्ट किया था। इसके बाद कुछ फैंस ने सलमान और आलिया के बीच उम्र के अंतर को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। अब आलिया का इस मामले पर रिएक्शन सामने आ गया है। फिल्म में आलिया का चुनाव किए जाने के बाद सलमान और आलिया की बचपन की तस्वीर वायरल होने लगी थी और लोग इनके बीच के एज गैप पर कमेंट करने लगे थे। आलिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में की जा रही आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा है कि इसका सलमान या संजय लीला भंसाली पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलिया के मुताबिक सभी लोगों को संजय लीला भंसाली की फिल्में पसंद आती हैं और वे उन पर काफी विश्वास करती हैं कि उनका फैसला ठीक ही होगा। वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया की आने वाली फिल्म कलंक रिलीज होने के लिए तैयार है। यह 17 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है और इसमें आलिया के साथ वरुण धवन मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। इसके अलावा कलंक में आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित प्रमुख भूमिकाओं में दिखेंगे। आलिया को करण जौहर ने अपनी अगली मल्टी स्टारर फिल्म तख्त में भी साइन किया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।